भारतीय मनीषी श्री हनुमान जी को 11वें रुद्र का अवतार मानते हैं। रुद्रावतारः संजज्ञे वायुपुत्रः प्रतापवान। अधर्म का विनाश करके धर्म को पुनः स्थापित करना ही इस धरती पर भगवान के अवतार लेने का हेतु होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता युग के अंत में जब रावण जैसे असुरों का संहार करने तथा मानव समाज को सेवा धर्म का आदर्श सिखाने के लिए विष्णु भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया, तो उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। भगवान के रूप से भी अधिक महिमा उनके नाम की है। नाम के आधार पर ही स्वरूप का ज्ञान होता है। देखिया ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेख नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। जो व्यक्ति श्री हनुमान जी के 108 नामों से उनकी पूजा करता है या प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में श्री हनुमान जी के 108 नामों का पाठ करता है, उसके ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं।